एक ऐसा बंदा जो खुद को कट्टर हिंदू बोलता है, अपने आप को राम का सबसे बड़ा भक्त बताता है, लेकिन काम रावण वाले करता है। ये राम नाम का यूज केवल हिंदू कम्युनिटी के लिए करता है। और आप ये तो जानते ही हो कि कोई भी मुंह उठाकर राम या कृष्णा का नाम ले ले, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। और इसी बात का ये लोग फायदा उठाते हैं, एलविस जैसे लोग और पॉलिटिशियन। सारे जने साथ में जय श्री राम का नारा लगाएंगे। अभी हाल ही में एलविस यादव ने एक यूट्यूबर को इतनी बुरी तरह से मारा है। हाँ, अगर आप एलविस यादव के फैन हो तो आप ये वीडियो पूरी देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आज इस वीडियो में जानेंगे एलविस यादव और इस फेमस यूट्यूबर के बीच फाइट की स्टोरी। लड़ाई क्यों हुई, जो ये पिट रहा है ये फेमस यूट्यूबर कौन है, और क्या एलविस को जेल जाना पड़ेगा। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। दरअसल जिसे आप स्क्रीन पर पिटते हुए देख रहे हो, ये यूट्यूबर है मैक्स टर्न, जिनके यूट्यूब पर 16 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम पर 8 लाख और ट्विटर पर 2.5 लाख प्लस फॉलोअर्स है, और इनका ओरिजिनल नेम है सागर ठाकुर। और ये घटना है गुड़गांव सेक्टर 53 के एक शॉपिंग मॉल की, लगभग रात 12:30 बजे की। दरअसल इनके बीच कंट्रोवर्सी तो बहुत पहले से ही चल रही थी, लेकिन जैसे ही एलविस यादव की एक पोस्ट मुन्नावर फारूकी के साथ आती है, वहीं से इसका ये मेन मामला शुरू होता है। क्योंकि कुछ हिंदू लोग मुन्नावर फारूकी से नाराज रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में प्रभु राम का नाम अपशब्द कॉमेडी के रूप में यूज किया था। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया, मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। भाई ठहरे एलविस जो राम के नाम के बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा नहीं सुनते हैं। और जब ये फोटो मुन्नावर फारूकी के साथ निकल कर आई, तब लोग एलविस को ट्रोल करने लगे कि भाई कैसा दोगला इंसान है ये। भाई मैक्सटन ने भी एलविस यादव को ट्रोल कर दिया, और तभी एलविस यादव का रिप्लाई आता है मैक्सटन को, भाई तू दिल्ली में ही रहता है ना, सोचा याद दिला दूं। क्या मतलब है इस लाइन का, तू दिल्ली में ही रहता है, यानी सीधी सीधी धमकी दी जा रही है कि दिल्ली दूर नहीं है हरियाणा से, जो वहाँ एलविस रहता है। यानी एलविस यादव इतना एग्रेसिव आदमी है, ये छोटी छोटी चीजों से इतना जल्दी गुस्सा आ जाता है इसे, और खुद को रोक नहीं पाता है। और इसीलिए ये दोनों जब 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन मिले, तब ये घटना सामने आई। आप नोटिस करना, पहले मैक्सटन क्या कहता है, हेलो भाई कैसे हो, यानी मैक्सटन एक्सपेक्ट कर रहा था कि एलविस यादव आएगा और बैठकर बातचीत करेगा, लेकिन वो डायरेक्ट कहता है मैं मिलने नहीं सीधा मारने आया हूँ। यानी एलविस पूरी तैयारी के साथ विथ प्लान के साथ आया था। और बाद में जब ये वीडियो बुरी तरह से वायरल हो जाती है, जब सोशल मीडिया पर जगह जगह इवन उसके फॉलोवर्स भी उस पर थू थू करने लगते हैं, तब एलविस यादव अपनी इमेज को बाहर दिखाने के लिए देखो क्या कहता है, कोई तुम्हें सामने से ऐसी बातें बोल दे तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा। इसने मेरी फैमिली को जिंदा जलाने की धमकी दी थी, इसीलिए ये उसे डायरेक्ट पीटने चले गए विद 8-10 फ्रेंड्स के साथ। एलविस यादव कह रहे थे कि ये अकेला नहीं था, 4 बंदे थे इसके पास, अकेला था तुम तो 9-10 जने थे, ये 4 जने थे भाई। लेकिन आपको क्या लगता है, जब आपको कोई ऐसी धमकी दे कि मैं तेरी फैमिली को जिंदा जला दूंगा, तो क्या आप पुलिस के पास जाने के बजाय आप डायरेक्ट गुंडों को लेकर आप उसे मारने चले जाओगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपको लग रहा होगा कि मैं मैक्सटन की साइड ले रहा हूँ, देखो मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैंने जो देखा सुना और पढ़ा और जो रियलिटी है उसके बेस पर अपना ओपिनियन शेयर किया है। हाँ, कुछ लोग कमेंट्स में अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर गालियाँ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैक्सटन ने एलविस के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन उनका कहना है कि मेरे को तभी डाउट था कि FIR को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एलविस के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है। जैसे जैसे मैंने धाराएं लिखवाई थी, वैसे वैसे पुलिस ने एलविस के खिलाफ धाराएं नहीं रिपोर्ट की हैं। वैसे आप क्या सोचते हो इस कंट्रोवर्सी के बारे में, कौन सही है एलविस यादव या मैक्सटन? वैसे जब आप अपना इन्फ्लुएंसर चुनते हो या उसे पसंद करते हो और उसके जैसा बनना चाहते हो, तो एक बार उसके माइंडसेट को जरूर जानने की कोशिश करना, चाहे आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर हो रहे होते हैं। छोटी छोटी चीजों से हमारे अंदर इंस्पिरेशन आती है। हमारे फेमस उस यूट्यूबर ने इस सिचुएशन को ऐसे डील किया था, तो क्यों ना हम ऐसे करें। इसलिए आपके लिए इंटरनेट टॉक्सिक हो सकता है, इसीलिए सही इंसान को फॉलो करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।